Hello people, what's up? This is me again, Ushan Singh, and welcome to my channel called Ushan Singh Show. इतनी दूर साथ चलकर जब साथ छोड़कर चले जाता है तो दर्द होता है। वो बातें, वो वादे, वो यादें, वो रस्में, वो कस्में, वो सब याद आने लगते हैं और तड़पाने लगता है। मगर यकीन मानो मेरा, उस दर्द को अपनी कमजोरी ना बना के अपनी ताकत बनाए। उस अकेलेपन से डरने की बजाय उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो उठोगे इतना कि जग जीत जाओगे और शान से कह पाओगे कि हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं। देख ऐ जिंदगी, मेरे हौसले तुझसे भी कई ज्यादा हैं। तो आज जो मैं करने वाला हूँ, वीडियो देखने वाला हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं एक को सपोर्ट कर रहा हूँ वापस, वो कुछ ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, आप लोग को अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले बताना चाहूंगा, प्लीज डिस्क्रिप्शन में नीचे चले, 3 वीडियो हो चुके हैं मेरे इसी टॉपिक पे। ये मैं बोलता हूँ टॉपिक कौन सी है, तो वो टॉपिक पे होने से पहले आप वो तीनों भी देख लीजिए और वो पूरा ज्यूम कीजिए पूरा देख के, फिर थर्ड जो मेरे इस वीडियो से पहले इसके जो पहले हो चुका है वो वीडियो में भी हमारे देखे, वो उसमें वीडियो रिएक्ट नहीं किया है। इट वॉज अ डिस्कशन टाइम, तो मैंने और आरोही ने मिलकर डिस्कशन किया और हमने जिनको थोड़ी गलतफहमी हो गई थी उनको समझाने के लिए वीडियो लाए थे वो। तो होप आप लोग ने देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन सॉरी लिंक और देख लीजिए। ये वीडियो आज मैं देख रहा हूँ, ये है दोनों फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम नेपाल। इंडिया की भी शायद अभी टॉप में आ गई है ना, लेकिन नेपाल स्टिल ऑन वन। मिस नेपाल श्रृंखला खतिवाड़ा और हम देखने वाले हैं अनुकृति वास के ऊपर, दोनों की लाइफस्टाइल, एज या उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका लाइफ जो भी जितनी भी लाइफस्टाइल होती है उसके बारे में बायोग्राफी वो देखेंगे। बस वही देखना चाहता हूँ मैं, दोनों को कंपैरिजन देखना चाहता हूँ, दोनों कैसे हैं क्या है, टू विल वॉच, और जिनको नहीं पता वो भी देखिए और मजा लेते रहिए बस, और कुछ नहीं। पहला वीडियो हम देख लेते हैं अनुकृति वास पर, ठीक है, मिस इंडिया 2018 पर, फिर उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड वीडियो श्रृंखला कदिवाड़ा के साथ। 1, 2, and go। अनुकृति वास क्यूट है यार, बहुत वीडियो। अदर नेम अनुप्रसाद, एक ऑफिशियल नेम और एक वैसा प्रोफेशन, मॉडल, एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल। 28 September 1998। मदर सलीना प्रसाद, ब्रदर गौतम, टिपिकल साउथ इंडियन लुक, लवली फैमिली, होम टाउन त्रिशूर, केरला, इंडिया। एजुकेशन देखते हैं, अनुकृति वास इज परस्यूइंग बीए इन फ्रेंच लिटरेचर फ्रॉम लॉयल कॉलेज इन चेन्नई। बीए कर रहे हो, obviously love dancing, making, modeling and traveling, right? Tattoo Selena, mom ka naam rakha usne, career, she is in performance proud of it. ओके, मतलब मॉम जो है उसने आपके लिए स्ट्रगल करके उसको बड़ा किया है, मतलब इंस्पिरेशन है उसकी। गुड,
मुंबई। वाओ ड्रेस देखो कितना सही है। एफबीबी फैशन वीक बाजार इसका मतलब पूरा कलर्स वाइको में टीम से है वो। आई लव दिस पिक्चर सीरियसली। मैंने तो देख लिया, आप लोग ने भी शायद देखा हो, मेरे साथ देख रहे हो तो कैसी लगी? क्यूट है ना? एंड 1998 की बॉर्न, यानी किस साल की होगी? 18, 19, 19 जो भी एज की। यार इतनी छोटी उम्र में, यार कमॉन, इतने छोटे में नाम कमा लिया, और क्या चाहिए? मिस इंडिया बन गई, मिस इंडिया, इंडिया जानता है, वर्ल्ड में जान रहे हैं भाई, लिस्ट टॉप 10 में है, टॉप 10 के अंदर कम, अब तो टॉप, आई थिंक टॉप 5 के अंदर आ रखे हैं लोग। बट आई एम हैप्पी, मेरे देश से भी अच्छा चल रहा है। एंड ऑल द बेस्ट अनुकृति व्यास, मेक प्राउड टू इंडिया। और वैसे प्राउड तो कर ही दिया उन्होंने यार, आप लोग नाम हो चुके हैं यार, सबके नाम हो चुके हैं, बस हमारे ही नाम नहीं हुए अभी तक। एज फैमिली, अब देखते हैं हम माय फेवरेट कौन बताया। हाँ मेरी तो माय फेवरेट है वो भी, वो मिस नेपाल, जो कि मिस मतलब टॉप 10 सॉरी नंबर 1 पोजीशन पे है अभी तक। मिस नेपाल क्या नाम है उनका? श्रृंखला खतिवाड़ा। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था ना श्रृंखला, मैं श्रृंखला क्यों बोलूंगा यार, मेरे साउंड भी तो समझो ध्यान से, श्रृंखला ही बोला है मैंने, बस साउंड फटाफट बोलता हूँ मैं, मेरी हिंदी थोड़ी फटाफट वाली है। तो लेट्स वॉच दैट वीडियो। 1 2 एंड गो। विनर ऑफ मिस नेपाल वर्ल्ड 2018 इज कंटेस्टेंट नंबर 25 श्रृंखला खतिवाड़ा। मिस नेपाल 2018 की विजेता श्रृंखला खतिवाड़ा को बायोग्राफी। मकवानपुर को हेटौड़ा में सन 1996 में उनको जन्म भएको थियो। बुआ र आमा दुबई राजनीति में संलग्न छन्। बुआ विरोध खतिवाड़ा नेकपा एमालेबाट लगातार चौथो पटक चुनावमा जित हात पारिसकेका छन् भने आमा मुनु सिग्देल पनि मकवानपुरबाट सन 2017 को चुनावमा जित हासिल गरिसकेकी छन्। मुनु सिग्देल विरोध खतिवाडाको दोस्रो श्रृङ्खलाको बाल्यकाल उनकै जन्मथलो हेटौडामा नै बित्यो। आफ्नो स्कुल लेभल एजुकेसन उनले हेटौडाकै महँगो र चर्चित स्कुल हेटौडा एकाडेमीबाट पुरा गरिन्। त्यसपछि आफ्नो थप पढाइको लागि उनी काठमाडौँ आइन्। उनले गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजबाट आफ्नो प्लस टू पढाइ पुरा गरिन्। त्यसपछि उनी सन् 2011 इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्सो क्याम्पसमा आर्किटेक्चरमा भर्ना भइन्। घुम्न र किताब पढ्न रुचाउने उनी आफ्नो फुर्सदिलो समयमा साथीहरूसँग घुम्न जान्थिन्। किताब पढ्ने रुचिले होला उनले आफ्नो जीवनभरमा एक न एक पटक किताब निकाल्ने अठोट पनि गरेकी छन्। पढाइमा अब्बल उनी सुन्दरताले पनि भरिपूर्ण छिन्। आफ्नो 5 वर्षको पढाइका दौरानमा उनले विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिइन्। उनले सन् 2016 एसियन पेन्ट्स डिजाइन कम्पिटिसन आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट अवार्ड जितिन्। त्यसपछि उनले सन् 2017 क्यालिडोस्कोप हिरो अफ दि फ्युचर आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट अवार्डमा पनि जित हात पारिन्। उनले डिसेम्बर 2017 आफ्नो 5 वर्ष आर्किटेक्चर पढाइ पुरा गरिन् र सर्टिफाइड आर्किटेक्ट भइन्। पढाइमा अब्बल उनी सेमिस्टर टप पनि गरिन्। त्यसपछि उनले सन् 2018 मिस नेपाल प्रतियोगितामा भाग लिइन्। नमस्ते,
I am Shrinkala Khatriwada. I'm 22 years old and I'm representing my beautiful She's 22 years old, but I have made up the mark. Miss Nepal ko 23aun Shrinkala ma kul 25 pratiyogi chhanot bhayeka thie. अन्तत 22 वर्षीय श्रृङ्खला 24 प्रतियोगीलाई पछि पार्दै मिस नेपाल 2018 को ताज पहिरिन। सबै सुन्दर लग रहे पीछे। बाइस वर्षको उमेरमा नै सफल आर्किटेक्ट र मिस नेपाल भइसकेकी उनी भविष्यमा पनि सफल हुँदै जाउन्। उनलाई हाम्रो टिभी तथा समस्त नेपालीहरूको तर्फबाट उज्जवल उज्जवल भविष्यको शुभकामना। All the best, मिस नेपाल। ऐसे करते रहो, नाम बनाओ देश का आपके। दोनों को है विशेष, ठीक है? दोनों के लिए है कि बेस्ट, मतलब कोई भी लाओ, पर नेपाल लाओ या इंडिया लाओ, पर दोनों के हाथ से नहीं जाने, दोनों में से किसी एक हाथ में आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए दूसरे हाथ में नहीं। और कितना प्राउड फील कराते हैं ना। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट यू नो गाइस, कि दोनों में एक चीज की सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों में है। एंड अगर मैं बात करता हूँ अनुकृति व्यास का, शी लाइक उसकी मॉम द ओनली सिंगल लेडी जिन्होंने उनका बहुत ध्यान रख के स्ट्रगल करके उनको इस तरीके से बनाया। शी इज जस्ट 19 to 20, बीच में एज की है वो बंदी। एंड उससे पता चलता है लाइक सिंगल मॉम जब रहते हैं तो बहुत रहता है। इवन लाइक हमारी मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है, स्टिल करते हैं, और हम भी इंस्पायर उनसे ही होते हैं। मतलब इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई आपकी जब माँ बाप कर सकते हैं, माँ सिंगल लेडी कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सेम हैपन्स, ये लाइफ तो फिर मेरे वैसे सिंगल है तो मेरे तरह ही लगती है, ठीक है। एंड अब दूसरी चीज आती है कि अनुकृति वास का तो बेस्ट पार्ट इज दैट कि सेल्फ कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस है, उसने उसी में ही करियर अपना बना लिया है, उसी चीज में फोकस रखा है। तो बेस्ट है कि सूरत भी है, सीरत भी है, स्ट्रांग है बंदी। एंड व्हेन इट कम्स टू अपने श्रृंखला खटीवाड़ा के टॉपिक पे आता हूँ, तो लाइक शी इज ब्यूटिफुल विद ब्रेन से भी है, आर्किटेक्चर है, कोई छोटी बात नहीं होती है। और काफी अवार्ड जीता है उसने एशियन पेंट के गेम्स में, वो था प्रोग्राम उसमें उसको अवार्ड मिला है। शी वॉन अ प्राइज ऑफ अमाउंट, कैपिटल अमाउंट जीती। मतलब इट्स नॉट अ छोटी मोटी बातें नहीं होती, मतलब उसने हर चीज को प्रूफ किया है। एंड शी इज वेरी लकी दैट, इस चीज का मैं बोलूंगा, शी इज वेरी लकी दैट वो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से है। एंड डैड ने भी चार बार, जो मैंने सुना, फोर टाइम्स लाइक वो वोटिंग से जीत रहे। मतलब क्वालिटी होगी तभी तो जीत रहे होंगे ना, जनता उसको इसलिए प्रिफर कर रहे होंगे ना। तो भाई फिर फैमिली में मॉम भी उसी में ही है। एंड इसने ट्रैवल बहुत किया, इसने भी दुनिया देखी है। अब इसको हम ऐसे नहीं लेंगे कि पेरेंट्स के बिहाफ हेल्प से हुआ है, पेरेंट्स ने हेल्प कर इसमें वो किया होगा, बाकी किसी चीज में नहीं करते। खुद से उसने दुनिया देखा, शी ट्रैवल्ड मेनी प्लेसेस, और कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाया, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारे खुद से होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी के पुश करने से, किसी हेल्प से होती है, हम खुद को बनाना पड़ता है वैसा, ठीक है। तो वो चीज दोनों में है, इट्स नॉट ओनली ऑन श्रृंखला खटीवाड़ा, दोनों लड़कियों में। वैसे देखा है तो 120 कैरियर जो गए हैं वहां पे, उन सभी में है, ठीक है। जो इतने अच्छा करके ना अपने देश में नाम कमाया, उसके बाद वर्ल्ड में जाके, जब वो एटलीस्ट वो वर्ल्ड में सिलेक्ट होकर वर्ल्ड पे गए हैं, उनका वहीं पे नाम हो चुका है। चाहे वो कोई भी देश हो, इंडिया हो, नेपाल हो, मोस्ट ऑफ 120 कंट्रीज जो बांग्लादेशी भी है उसमें, जितने भी सब गए हैं उनकी बात बता रहा हूँ, सब ने प्रोफाइल कराया है। एंड अभी जो टॉप में है श्रृंखला, आप अच्छा करते रहिए और अपने देश का नाम बनाइए। एंड अनुकृति वास, मेक अस प्राउड टू, अच्छे से रहो, अच्छा करो, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दोनों ही अच्छा कर रहे हो, आप सभी अच्छा कर रहे हो, दैट्स व्हाट वी नीडेड। और आप लोगों से मुझे देखना था एज क्या है, लाइफ स्टाइल कैसा है दोनों का, वही मैच कर रहा था। डिफरेंस दो साल का तीन साल का फर्क है एज में। एंड यू आर वेरी यंग अनुकृति, बहुत यंग हो आप, एक तरह से वैसे 22 भी बहुत यंग हो, बच्चे ही हो, मतलब नॉट वेरी बच्चा, लेकिन हाँ छोटे ही हैं। तो यू गाइज डन वेल, और ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, इंडिया, नेपाल, रेस्ट एवरीबॉडी, सबको वेरी ऑल द बेस्ट। बस नाम कमा लिया वही इंपॉर्टेंट रहता है, आप अपने माँ बाप का नाम कमा लिया, देश का नाम कमा लिया, हमें पता चल गया कि अब मेरे मुँह पे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के मुँह पे रहता है कि भाई श्रृंखला खटीवाड़ा कौन है,
इतनी इजिली अभी मैं प्रोनाउंस पहले तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, तो इजी तो मैं तो अनुकृति वास को प्रोनाउंस नहीं कर पा, वो अनुकृति मतलब हर चीज मुंह पे बैठ जाती है एंड इट मेक्स अस प्राउड ऑल्सो कि बहुत अच्छा लगा। और वोटिंग करते हुए पता नहीं कौन सा लिंक बता रहे थे ना, मैंने उसमें भी गया था, मुझे समझ में नहीं आया, बट आप लोग वोटिंग लाइन अगर आपकी खुली है कोई, चाहे इंडिया का भी हो रहा है कहीं का भी, वोटिंग लाइन आप लोग वोट करते रहिए, अपने सजेशन देते रहिए। एंड वैसे तो लास्ट में जज ही बैठते हैं, जज ही डिसाइड करते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो मेरे को सिर्फ लाइफ स्टाइल देखनी थी, और ये भी सुनना है ना कि अपना मनुषी शिला जो है वो उनको भी साथ में प्रोनाउंस करने नहीं आता, वो जो है वो अभी चाइना के लिए रवाना हो चुके हैं, है ना, तो वो भी देखने का सोच रहा हूँ मैं, तो विल वॉच दैट लेटर ऑन। अभी फिलहाल ये देख लिया मैंने, मेरे को सिर्फ कंपेरिजन देखना था। दैट्स ऑल फॉर नाउ, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी, लव यू ऑल पीपल, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम वशांत सिंह, एंड कीप लविंग।